हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी एंड मॉम लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, 18 से 21 हफ्ते यानी कि शिशु के 5 महीने के विकास के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। 5 महीने में आपका बेबी गर्भ में कितना बड़ा हो गया है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और आपको बताते हैं कि 5वें महीने में बच्चे का विकास किस तरह से होता है। उसका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से होता है और बच्चे पर आपके खान पान और देखभाल का भी पूरा असर पड़ता है। आप उसे लेकर परेशान ना हो, आप बस अपनी हेल्थी डाइट पर ज़्यादा ध्यान दें, इससे बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा। फ्रेंड्स, आपका बेबी गर्भ में कितना बड़ा हो गया है मैं वो बताती हूँ। बच्चे का वेट जो होता है वो 300 से 450 ग्राम और उसकी लंबाई 26.7 सेंटीमीटर यानी कि 9 से 12 इंच तक हो जाती है। बच्चा इस समय गाजर के जितना लंबा हो गया होता है। अब बेबी की स्किन ट्रांसपेरेंट से गुलाबी और धीरे धीरे लाल होती जाती है क्योंकि अंदर कोशिकाएं अभी बन रही होती हैं। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां धीरे धीरे मजबूत हो रही होती हैं। इस टाइम पर उसकी भवें, पलकें, कान, नाखून ये सब बन चुके होते हैं। उसके होंठ अब पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा अच्छे से दिखाई देने लगते हैं और उसकी आँखें भी बंद पलकों के अंदर घूमने लगती हैं। अब आपको शिशु की हलचल महसूस होने लगेगी, अब वो मूवमेंट भी करने लगेगा, वह शरीर को स्ट्रेच करने लगता है इस टाइम पर, यानी कि अंगड़ाई या जमवाई लेता है, आंखें वो खोलने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे ही वह कई सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देता है, जैसे कि वो अंगूठा चूसने लगता है और कभी कभी पेट के अंदर किक मारने लगता है। क्योंकि उसके कान जो होते हैं वो भी डेवलप हो चुके होते हैं तो इसलिए उसे बाहर की आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं। आप चाहें तो उससे बात करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसे बताऊंगी जो आपको सुन के काफ़ी हैरानी हो सकती है। वह अपने फेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो करने लगता है, मतलब कि नाक सिकोड़ना, भवें ऊपर नीचे करना, ये सब सीखता है। उसके मतलब आपके सोने और जागने के हिसाब से वो भी अपने सोने और जागने का टाइम जो होता है वो डिसाइड कर लेता है, उसी टाइम पर सोने और जागने लगता है। फ्रेंड्स, इस टाइम पर उसके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो भी बनने लगते हैं, मसूड़ों के अंदर दांत आ जाते हैं या बनने स्टार्ट हो जाते हैं। 20वें सप्ताह तक जो नर्वस सिस्टम होता है वो पूरा काम करना स्टार्ट कर देता है, उसकी किडनी पूरी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देती है। फ्रेंड्स, इस टाइम प्रेग्नेंट लेडी को ज़्यादा भूख लगने लगती है, इसलिए आप जो हैं वो जंक फूड का सेवन बिल्कुल ना करें बल्कि हेल्थी डाइट लें ताकि आपके बेबी को पूरा पोषण मिल सके। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें।